बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी इन गुड हेल्थ कंडीशंस। फॉर योर सेफ्टी मेजर्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आई एम फवाद अहमद, योर साइंस टीचर। लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड ऑर्गन टिश्यूज, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गन सिस्टम, बट वन टॉपिक वॉज रिमेन इन दैट चैप्टर, so we will discuss it today with the other topic. So today our topic is the optical or light microscope. So what is microscope? Micro means small, tiny, which cannot be seen on naked eye, and scope means magnification. So microscope is a device through which we magnify those objects which we cannot see through naked eye. So optical microscope, also refers to light microscope, is a type of microscope that commonly use visible light and a system of lenses to generate magnified images of small objects. The microscope shown on the picture is magnifying 100 times. It can also magnify by 40 times or 400 times if different objective lenses are moved into a position. माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, अपनी आंख से डायरेक्टली नहीं देख सकते, तो हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोप के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन उसमें एक है लाइट माइक्रोस्कोप। इसके बाद हम फिर जो इसका एडवांस फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप भी बाद में पढ़ेंगे। जो पिक्चर में जो माइक्रोस्कोप दिया हुआ है, इसकी मैग्निफिकेशन 100x है। इसमें जो लेंस फिट है वो 100x तक काम करता है। लेट सपोज एक पिक्चर का साइज 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 400 तक मैग्निफाई करता है, तो उसमें फिर ज़्यादा डिटेल्स नज़र आती है हमें। जूम करता है 100 टाइम्स तक, लेकिन अगर इसमें ये 40 टाइम्स तक भी कर सकता है, 400 टाइम्स तक भी कर सकता है, क्योंकि इसमें जो लेंसेज होते हैं वो रिवॉल्व होते रहते हैं टाइम के साथ। तो हम जो भी लेंस यूज़ करें उससे हम फिर उसी तरह की मैग्निफिकेशन जो हासिल करना चाहते हैं हम देखते हैं। अगर लेट सपोज हम एक ऐसे सेल को स्टडी कर रहे हैं कि हमने उसमें सेल की ऑर्गेनिल्स भी देखने हैं डिटेल में, तो हम इसमें ज़्यादा मैग्निफिकेशन वाला लेंस यूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे ये पिक्चर दिया हुआ है, इसमें स्टार्ट में आईपीस लेंस है जहाँ से हम देखते हैं, फिर ट्यूब है जो आईपीस को ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ कनेक्ट करता है, फिर नोज पीस है, टर्रेट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस जिससे हम ऑब्जेक्टिव लेंस को घुमा सकते हैं कि कौन सा लेंस हम यूज़ कर रहे हैं, आर्म है जहाँ से हम इसे पकड़ते हैं माइक्रोस्कोप को, स्टेज पर हम प्लेट रखते हैं या जो स्लाइड्स होते हैं हम जिस पर रखते हैं, कोर्स फोकस है और फाइन फोकस है। तो एक से हम ब्लर वगैरह ख़त्म करते हैं जब हम फोकसिंग करते हैं, और दूसरे से हम पिक्चर को क्लियर कराते हैं। फिर कंडेंस लेंस है, और इसके बाद एलुमिनेशन सिस्टम है। एलुमिनेशन सिस्टम में लाइट होता है, और जो ऊपर अगर हमारे पास लाइट नहीं है नेचुरल तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और डायफ्राम इसका पूरा स्केच है। तो ये लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी डिटेल थी। Now our topic is electronic microscope. So an electronic microscope is a microscope that uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination, as the wavelength of an electron can be up to 1 lakh times shorter than that of the visible light photons. Electronic microscope power than light microscope and can reveal the structure of smaller objects. It can magnify an object a million times. अच्छा, electronic microscope, जैसे इसका नाम है electronic microscope, so ये electron beam पे काम करता है, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमें जो चीज़ व्यू करनी है वो स्क्रीन पे नज़र आती है, हम आईपीस से नहीं देखते इसमें। और इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को 1 मिलियन मतलब 10 लाख टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं, इतनी डिटेल्स में हम एक चीज़ को देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये आपका आखिरी टॉपिक था पिछले चैप्टर का, सो इसलिए मैंने ये इसके साथ डिस्कस किया। अच्छा, हमारा न्यू चैप्टर है सेंसेस एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सो
What is sensory and what is sensory organs? Sense is of different types. Sense के बहुत किस्म हैं, जैसे हम किसी चीज़ को smell करते हैं या किसी चीज़ को touch करते हैं, हम उसका पता चलता है कि गर्म है ठंडा है, या हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे हम sense of sensation उसे कहते हैं, हम कोई चीज़ सुनते हैं, तो ये चार हमारे मेन टाइप्स हैं सेंसेस के, और ये डिफरेंट चार डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। अगर हम आईज से कुछ देखते हैं तो उसकी सेंसरी ऑर्गन्स आईज में है, ईयर है, स्किन है, इसके ज़रिए हम ये करते हैं, या नोज है और फिंगर्स है और टंग है। तो ये पांच बेसिक चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम सेंस किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। स्टिमुलाई, व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज द रिएक्शन टू When you sense something and your body does some reaction, it is called stimuli. Stimuli basically ये है कि अगर हम किसी चीज़ को sense करते हैं और हमारी body उस पर reaction करती है। Let's suppose अगर मैं देखता नहीं हूँ और मैं पीछे हाथ रखता हूँ किसी गर्म चीज़ पर, तो हमारी body brain को मैसेज चला जाता है कि गर्म है, तो मैं हाथ वहाँ से उठाऊँगा। तो ये मैंने किया, this is called stimuli, क्योंकि मैंने sudden change कर दिया उस हिसाब से। The things we react, whether it is a hot object, the moving ball, the sight of a sound of an object, or the food in your stomach are called stimuli. Our body senses or detects these stimuli with the help of group of cells. These are called sensory cells and they are often grouped in special sense organs. जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपसे, ये स्पेशल सेल्स जो हमने डिस्कस की थी पिछले चैप्टर में, तो स्पेशल सेल्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स थी नर्व सेल्स। मैंने आपसे कहा था कि नर्व सेल स्किन के नीचे होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं और हमारी आई में भी होते हैं, हमारे ईयर में, टंग में और फिंगर्स में। तो स्किन तो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है, तो उसके नीचे नर्व सेल्स होते हैं जो हमें, उसे हम सेंसरी सेल्स भी कहते हैं। और सेंसरी सेल्स का काम है कि हमें स्टिमुलाई में मदद देता है कि हमें पता चले हर चीज़ के बारे में। ये एक विजुअल है, इसमें आप राइट साइड पे पिक्चर देख सकते हैं या पीछे। तो अगर हमें कोई नीडल उसके हाथ में जा रहा है तो उसको पेन फील होगा, दैट्स बेसिकली स्टिमुलाई, एंड दैट्स मैसेज इज सेंड थ्रू नर्व सेल टू द ब्रेन दैट यू आर हर्ट बाय समथिंग। ऑन द लेफ्ट यू कैन सी द मैकेनिज्म हाउ सेंसरी न्यूरॉन्स वर्क। सो इट वर्क्स लाइक electrical signals. It is so quick that it can travel in milliseconds, in the million part of the second. If a second is divided by 1000, so it can travel through that speed to the brain. The skin is the outer coverage of the body. On an average man, the area of skin is nearly 1.8 square meters. The layer of skin is made of dead cells. In fact, the surface of our eye, hair, nails are made of dead cells. The skin protect our internal organs from damaging. It also control the temperature and in sunlight make vitamin D. It is also a sensory organ. हमारी पूरी बॉडी पे स्किन चढ़ा हुआ है और एक एवरेज जो बंदा होता है उसकी पूरी बॉडी पे 1.8 स्क्वायर मीटर उसका टोटल एरिया है स्किन का, इतना उसने कवर किया हुआ होता है। स्किन बेसिकली डेड सेल से बनता है, इसकी सेल्स डेड होते हैं क्योंकि हम स्किन पे हाथ रखते हैं तो अंदर से ये हमें सेंस कराता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बाहर दूसरे पार्ट्स की जो हमारे एक्टिव सेल्स होते हैं उसकी तरह ये रिएक्शन नहीं करता क्योंकि इसकी ये मोस्टली डेड सेल से बना हुआ है। हमारे जो आई है, बाल है, हमारे नाखून है, हमारे ये सारे डेड सेल से, इसका जो टॉप सर्फिस है डेड सेल से ही बना हुआ है। अच्छा, स्किन का मेन फंक्शन ये है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, और ये जब सनलाइट के साथ मिल जाए तो हमारी बॉडी में विटामिन डी डिफिशेंसी को पूरा करता है, उसको पूरा करने में हेल्प करता है। लेयर ऑफ स्किन, स्किन इज मेड ऑफ सेवरल लेयर्स। द टॉप लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मस। इट इज मेड ऑफ डेड फ्लैट एंड सेल्स हेल्ड टुगेदर टू मेक अ टफ वाटर प्रूफ कोर। About 20 kilogram of dead cell is shed by an average adult in lifetime. अच्छा, तो अब इसमें हम स्किन की लेयर डिस्कस करेंगे। जैसे पिक्चर में राइट साइड पे दिया हुआ है, तो टॉप लेयर जो स्किन का है इसको हम एपिडर्मस कहते हैं, और इसमें सारे डेड सेल्स होते हैं।
और ये डेड सेल टाइम के साथ ख़त्म होते हैं, फिर और सेल आ जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं, तो लेयर इसकी चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो एक एडल्ट अपनी पूरी ज़िंदगी में 20 किलोग्राम तक डेड सेल्स ख़त्म करता है अपनी बॉडी से। द लोअर लेयर ऑफ द स्किन इज आर कॉल्ड डर्मस। द डर्मस कंटेन स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल एंड फैट। अच्छा, एपिडर्मस की नीचे जो लेयर है उसको डर्मस कहते हैं, और डर्मस में नर्व सेल्स होते हैं। तो नर्व सेल्स, और ये इसमें स्वीट ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, हमारी बॉडी से स्वीट कब निकलता है जो पसीना है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ये स्वीट ग्लैंड उसको पानी की शक्ल में बाहर निकालते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं। या ऑयल भी निकलता है जब मुख्तलिफ लोगों की डिफरेंट स्किन होती है, कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है क्योंकि उनके ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बाहर निकल जाता है, उससे वो काम ऑयल ग्लैंड्स करते हैं। अच्छा, और हम डर्मिस के ज़रिए जो पेन वगैरह ये हम ये इसके ज़रिए फील करते हैं। अगर हमारी बॉडी में हमारे पाँव में पेन हो रहा है तो ये इसके नीचे जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं, नर्व्स एंडिंग जिसे कहते हैं, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं, नर्व्स एंडिंग जो है रिसेप्टर्स, रिसेप्टर मीन रिसीवर्स, जो उसको रिसीव करते हैं और ब्रेन को सेंड करते हैं, और ऑटोमेटिकली हम स्टिमुलाई इस करते हैं उसके साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अगर बाहर हमें ठंड लग रही है तो हमें पता चल जाता है कि बाहर ठंड है, अगर हमें गर्मी है तो हमें पता चल जाता है कि गर्मी है, हमारी बॉडी के अंदर किसी जगह पे कोई ज़ख्म हुआ है तो उससे हमें पेन हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई डैमेज, सेल डैमेज हुई है। अच्छा, टच एंड प्रेशर। इन ह्यूमन टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स इन द स्किन ऑफ टंग एंड फिंगर टिप्स, दीज डिटेक्ट वेदर ऑब्जेक्ट्स आर रफ, स्मूथ, हार्ड आर सॉफ्ट। दे आर दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू हेयर्स। इफ एन ऑब्जेक्ट ब्रशेज अगेंस्ट एनी ऑफ द हेयर्स ऑन द स्किन, द रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड। अच्छा, अब जो टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स है ये हमारी स्किन में होते हैं, लेकिन हमारे टंग और फिंगर टिप जो है, हमारे ये फिंगर नहीं है, इसका जो टिप है यहाँ पर होते हैं और हमारे टंग में होते हैं, जो जबान है हमारी उसमें। इससे हम चीज़ों को देखते हैं कि ये रफ़ है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है। अगर हम फिंगर टिप रख के तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ हार्ड है, ये स्मूथ है या रफ़ है। ये हेयर के साथ कनेक्ट होते हैं, और अगर हम हमारे हेयर के साथ भी कोई चीज़ लग जाता है तो हमें पता चल जाता है हमारी बॉडी में वो सिस्टम है कि इसके स्टिमुलाई हम करते हैं, उसको चेंज करते हैं कि ये कोई किसी गर्म चीज़ के साथ हमारा हाथ लग गया है। अच्छा, इसकी दो फीचर्स है, फैन पेन्स और टेम्परेचर। पेन रिसेप्टर आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्किन, दे आर मोस्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। पेन एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल इन आवर बॉडी। अच्छा, दर्द जो होता है, पेन, हमारी पूरी बॉडी में रिसेप्टर सेल्स हैं, नर्व्स। तो अगर कहीं पे भी हमें कोई जगह डैमेज हुई है, ये जो राइट साइड पे पिक्चर है, इसमें ये बंदा गिरा है तो इसकी हड्डी टूटी है, पता नहीं कुछ हुआ है, तो उसकी वजह से इसे पेन हो रहा है। तो पेन एक वार्निंग सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी में एक डैमेज हुआ है कोई चीज़, तो वार्निंग सिग्नल की से हमें पता चल जाता है, फिर हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। टेम्परेचर, दीज आर सेपरेट हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर इन द स्किन, दे आर यूज टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। और फिंगर टिप कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंट एज स्मॉल एज 0.5 डिग्री सी। तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर के लिए भी रिसेप्टर्स है, कोल्ड रिसेप्टर्स भी है, हीट हॉट रिसेप्टर्स भी है। कोल्ड रिसेप्टर हमें किसी ठंडी चीज़ के बारे में मालूम देता है कि ये चीज़ ठंडा है, और हॉट रिसेप्टर हमें किसी गर्म चीज़ की, तो हम उसमें डिफ्रेंशिएशन करते हैं। हमारी बॉडी में ये कैपेसिटी है कि ये 0.5 डिग्री सी तक इतनी लो टेम्परेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। टंग, द केमिकल इन द सोल्यूशन और देन डिटेक्टेड बाई सेंसरी सेल्स ग्रुप्ड एंड टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड विच आर सेंसिटिव टू फोर टेस्ट, स्वीट, सॉर, साल्ट एंड बिटर। मोस्ट फ्लेवर आर कम्बिनेशन ऑफ दीज फोर बेसिक टेस्ट। लेमोनेड फॉर एग्जाम्पल कंटेन शुगर एंड लेमन जूस, द शुगर विल हैव स्वीट टेस्ट वाइल द लेमन विल हैव अ सॉर टेस्ट। अच्छा, तो टंग से हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, तो हम टेस्ट बर्ड के ज़रिए करते हैं। तो टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड होते हैं चार किस्म के, एक से हम किसी मीठी चीज़ को करते हैं, एक से कड़वी चीज़ को करते हैं, एक से जो नमकीन होती है,
और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बिटर जिसे हम कहते हैं, जो मिर्चियाँ वगैरह होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कम्बिनेशन से बनती है। अगर एक चीज़ हम कहते हैं और उसमें ये सारे चार फ्लेवर्स हो, जैसे लेमोनेड है, तो लेमोनेड में हम चीनी भी डालते हैं, शुगर, लेमन जूस भी डालते हैं, तो ये हमारा टंग हमें आइडेंटिफाई करता है कि इसमें मीठा भी है और इसमें सोर टेस्ट भी है। राइट साइड पे इसकी पिक्चर दी हुई है कि टेस्ट बड जो टंग के साइड्स पे होते हैं, और ये भी दिखाया गया है पिक्चर में कि कहाँ से हम बिटर देखते हैं, कहाँ से सोर, स्वीट, सोर। तो इन ये चार बर्ड्स होते हैं हमारे टंग पे, जो निचला वाला पार्ट है उससे हम बिटर टेस्ट करते हैं, साइड लेफ्ट साइड पे सोर करते हैं, राइट पे भी सोर, दरमियान में हम स्वीट करते हैं, और जो इसका टिप है टंग का, इससे हम स्वीट एंड साल्ट, नमकीन चीज़ों जो होती है उसको टेस्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले चैप्टर लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था, आप लोगों ने वो असाइनमेंट किए होंगे तो आप अपने पास रिकॉर्ड में रख लें, लेकिन फीडबैक के लिए अगर आप हमें मुझे भेज सकते हैं तो आई विल बी रियली अप्रिशिएटेड डेट। तो इस लेक्चर के रिप्लाई में आप प्रीवियस जो असाइनमेंट था वो भेज दें ताकि मैं देखूँ। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि हाउ वी फील पेन, हमें दर्द क्यों महसूस होता है, किस तरह महसूस होता है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेस्ट बड आर देयर ऑन आवर टंग, और हमारे टंग पे कितने टाइप्स के बर्ड्स हैं, उसके नाम लिखिए, ठीक है, और उसका फंक्शन लिखिए। थैंक यू।